तो आज हम इस स्टार को बिना की फ्रेम के एनिमेट करेंगे, वो भी स्केल और रोटेशन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। टेकन ट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। रोटेशन के लिए हम लोग ये एक्सप्रेशन लगा लेते हैं, टाइम इनटू 20। देख सकते हैं ये रोटेट हो रहा है, थोड़ा सा ये ऑफ सेंटर होता है, तो इसको जो है हम लोग मैन्युअली ऐसा कर सकते हैं थोड़ा और सेंटर के लिए। ठीक है, ये रोटेट हो रहा है विदाउट की फ्रेम। ठीक है, लेकिन अब हम इसको स्केल करना चाहते हैं, तो इस पर हम अगर ये अप्लाई करते हैं तो ये आप देख सकते हैं ये एरर है, यानी इस पर ये काम नहीं करता। तो अब इसके लिए एक्सप्रेशन हम ये लिखते हैं, टी बराबर टाइम दिस लेयर इन पॉइंट और वी बराबर टी इंटू 5। ये वैल्यू, इसको अगर आप कम ज़्यादा करोगे तो ये जो है इसकी स्पीड, मतलब कितनी जल्दी स्पीड से बड़ा होगा, कितने धीरे बड़ा होगा। तो ठीक है, इसको हमने अप्लाई कर दिया है, अब आप देख सकते हैं ये बड़ा हो रहा है। ठीक है, इसको अगर हम माइनस कर देते हैं तो ये जो है आपको छोटा हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से एनिमेट आप कर सकते हैं बिना की लगाए। आप देख सकते हैं ये स्केल वाले, मुझे बहुत टाइम से मैंने सर्च किया लेकिन मुझे ये नहीं मिल रहा था। मुझे अभी जब भी मिला है तो मैंने जो है ये आपको सोचा शेयर करूं। तो देख सकते हैं, और अगर आप इसी का जो है वैल्यू जितना भी आप देखिए प्लस कर रहे हैं तो प्लस होते जा रहा है 10 वैल्यू से, और रोटेट भी हो रहा है, यानी बिना की फ्रेम के एनिमेट हो रहा है। ठीक है, और इसको नॉर्मली आप स्केल कर भी सकते हैं ऐसे, यानी आप की का कुछ झंझट नहीं, किधर भी मूव कर सकते हैं सिंपल, जहाँ पे भी रहेगा वो अपने इस एंकर पॉइंट से चलेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए।